जोहार, मैं कृष्णा गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। हर साल 8000 छात्रों को मुफ्त कोचिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट सहित 7 एंट्रेंस एग्जाम के लिए बड़े निजी कोचिंग सेंटर में तैयारी कराएगी सरकार। आकांक्षा कोचिंग के बाद अब झारखंड सरकार अगले सत्र 2024-25 से राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर के निजी कोचिंग सेंटर में 7 बड़े एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराएगी। हर साल 8000 छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। छात्रों को प्रति माह 2500 रुपए सहायता राशि भी मिलेगी। जिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी उनमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट, मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल है। कोचिंग में उन्हीं छात्रों को दाखिला मिलेगा जिन्होंने राज्य के शैक्षणिक संस्थान से 10वीं की परीक्षा पास की है। अंक के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। साथ ही सरकार की शर्त है कि छात्र के पास झारखंड का स्थानीय प्रमाण पत्र और परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कोचिंग के लिए 11वीं और 12वीं के छात्रों को भी योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से झारखंड पीछे है। शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करना जरूरी है। पूरी योजना पर सरकार 122.32 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 7 प्रवेश परीक्षाओं के लिए 45 कोचिंग सेंटर। 7 तरह की प्रवेश परीक्षाओं के लिए चयनित छात्रों को राष्ट्रीय स्तर के 45 कोचिंग संस्थानों में तैयारी कराई जाएगी। इसमें सबसे अधिक मेडिकल और इंजीनियरिंग के 10-10 कोचिंग संस्थान को चुना जाएगा। वहीं क्लैट, मास कम्युनिकेशन, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या ICW के लिए 5-5 कोचिंग संस्थानों में चयनित छात्रों को दाखिला दिलाया जाएगा। कोचिंग संस्थानों की पैनल अवधि 3 वर्ष की होगी। छात्रों पर 1.22 अरब रुपए खर्च होंगे। प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी और कोचिंग में एडमिशन के लिए चयनित 8000 छात्रों की कोचिंग पर हर वर्ष 92.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार हर छात्र को प्रतिमाह 2500 रुपए सहायता राशि देगी। इस मद में 24 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड में 5.82 करोड़ रहेगा, यानी कुल 1.22 अरब रुपए खर्च होंगे। कोचिंग में छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य। कोचिंग में एडमिशन लेने वाले छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य है। बिना कारण के 3 माह तक 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को कोचिंग शुल्क सरकार को वापस करना होगा। छात्रों को सहायता राशि DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।